हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक और नहीं, क्या आज मैं एक साल बाद लगभग वीडियो डाल रहा हूँ इस चैनल पर अपने। आपको पता है जैसे हमारी स्टेशनरी की दुकान है, ये देखिए, तो अब तो बहुत काम धाम अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, भगवान की कृपा से ठीक है। और जब आपको, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो मैंने कैसे जब ये दुकान खोली थी, क्या क्या सामान डाला था, कितना था, तब आपको सब कुछ बताया था। अब हम सीजनल काम भी करते हैं, सीजनल काम जैसे राखी होती है या दिवाली होली वाले सब सामान लगाते हैं। तो अभी ये सामान वामान ये तो स्टेशनरी का चल ही रहा है। देखो आप दुकान एक बार, आपने देख ही रखी होगी, जो पुराने वीडियो हैं जिन्होंने देखी है उन्होंने देख ही रखी होगी ये दुकान। अब तो हमने बहुत सामान भर दिया है, गिफ्ट ही गिफ्ट भर दिए हैं, लगभग लाखों में सामान कर दिया है। और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाला, जो कमाते गए और इसमें लगाते गए हम। तो ये हो गया, और अब हमने होली का भी सामान लगाया है। होली का भी लगभग 50,000 रुपये का हम सामान लाए थे आज से 3-4 दिन पहले। चलो मैं आपको होली की अपनी दुकान दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपनी ये दुकान के बाहर ही है। ये देखिए, ये 50,000 में मना ही ना करता। ये देखिए, ये सूखा रंग है, गुलाल नहीं। और ये टी शर्ट्स वगैरह हैं, और ये सब दुकान है। ये सब सामान बेचने के लिए, ये बगल में एक जूस की नई दुकान खुली है हमारी। सामने से और दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ सामान वगैरह है जो अभी हमने लगाया है। लगभग स्टेशनरी की दुकान के आगे ही जो कोई सीजनल काम होता है तो हम लगा देते हैं। और लगभग 50,000-60,000 रुपये का सामान लाए हैं अभी। और आज जैसे छोटी दिवाली है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारा लगभग 30-40% मटेरियल बिक चुका है। और लोकेशन अच्छी है, दुकान का किराया 13,000 रुपया है लगभग। अभी जो मैं आपको अगर ये वाली दुकान, अंदर की दुकान का स्टेटस दूँ, तो लगभग संडे सैटरडे को 4-5 हज़ार रुपये की सेल हो जाती है, अदर डे 3,000, 3,500, 4,000 ऐसे रहती है। तो ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के काम। लेकिन जब ये शुरुआत में दुकान हमने खोली थी तब इतना काम नहीं होता था, तब लगभग 500-700 रुपये ऐसी सेल आती थी। लेकिन मेहनत करते रहे, लगातार काम करते रहे, लगे रहे, जो काम, जो कस्टमर ने वैरायटी मांगी वो उसी पैसे से, सेल के पैसे से वही चीज़ भरते गए। तो धीरे धीरे जो है काम ठीक हो गया। अब जब जो आस पड़ोस की कॉलोनीज हैं, जो उन्होंने सामान कहा वो सब ला कर के रख दिया, तो वैरायटी पूरी हो गई, तो अब काम ठीक है। और अगर मैं आपको ये होली वाले की चीज़ की बात बताऊं, जो होली की दुकान का हमारा जो सामान है, होली का जो दुकान का हमने सामान लगाया है, तो ये देखो, ये होली के सामान वगैरह जो है, ये इसमें क्या है कि इसमें ये हम इसलिए करते हैं, एक्चुअली इससे क्या है कि ये दुकान का जो काम का है इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सीजनल जो काम है इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, एक रंग अगर पक्के वाले की हम 20 रुपए की डिब्बी लाए हैं तो वो 70-70 रुपए की बिक रही है, 60-60 रुपए की बिक रही है। तो आप समझ सकते हो 3-3 गुना मार्जिन है। गुलाल जो है 700 रुपए का कट्टा आया है, वो जो जिस हिसाब से हम खुला बेच रहे हैं वो लगभग 2,000-1,800 तक का भी बिक जाएगा। अगर हम लास्ट दिन सस्ता करें तो भी आप मान के चलो 1,300-1,400 रुपए तक तो फिर भी वो छोड़ के जाएगा ही। तो सीजनल काम में ये फ़ायदा होता है आपको कि आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है। पहले साल थोड़ी सी अगर आप ज़्यादा माल लाओगे तो दिक्कत ही हो जाती है कि अगर थोड़ा बच गया तो फिर एक साल संभाल के रखने वाली बात होती है। लेकिन अगली बार से जब ये रोटेशन आ जाती है कि थोड़ा पुराना माल है और आप थोड़ा सा नया ले आए, तो फिर उसमें अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है। लेकिन अगर काम अच्छा है तो आप नया खाली माल लाओगे तो हो सकता है उसमें भी ना बचे। लेकिन देखना पड़ता है कि आपके यहाँ उस त्यौहार का कैसा स्कोप है, उस त्यौहार में कैसे सामान बिकता है, तो उस हिसाब से अगर आप सामान लाएंगे बेचेंगे तो अच्छा बिकता है। अब ये होली, अब मैं इससे पहले बताऊं आपको, जैसे जन्माष्टमी या दूसरे त्यौहार हैं, अभी जो 22 तारीख को वो श्री राम जन्मभूमि वाला हुआ था, तो उसमें हमने झंडे इतने बेच दिए, लगभग झंडों से हमने 3-4 हज़ार रुपये कमा लिए सिर्फ झंडे बेचकर। तो पहले पता आदमी को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कि किस चीज़ की डिमांड आने वाली है, वो आप उसी टाइम पर बिल्कुल मत लो। जैसे होली है तो हमने ये सामान 2 महीने पहले ले लिया था, गुलाल नहीं लिया था, उसके अलावा सारा पहले ले लिया था। क्योंकि उस समय और उस टाइम
सीजन जिस टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम पे उनके रेटों में लगभग डबल का फर्क आ जाता है। मतलब हम जब जो चीज़ 10 रुपए की लाए हैं वो आज की डेट में होलसेल रेट में भी वो 20 रुपए की मिल रही है। तो पहले आप ले लें उस चीज़ को, अगर आपने प्लान बनाया कि इस बार मैंने होली पे रंग लगाने हैं तो 2 महीने पहले ही आप उसकी शॉपिंग कर लो, 2 महीने पहले ही आप उसका सामान ले लो, क्योंकि वो बाद में रेट बढ़ जाते हैं। तो पहले आप ले लेंगे तो आपको एक और मार्जिन ज़्यादा बनने की संभावना रहेगी। इसी तरह अभी हमने झंडे बेचे जो मैंने आपको बताया, फिर 26 जनवरी पे झंडे बेचे, उससे पहले अपना कोई त्यौहार निकला जैसे रक्षाबंधन था या कई जो भी थे उसमें भी हमने सीजनल काम करा। दिवाली पे हमने पटाखे लगाए थे, उसमें हमने 60-70 हज़ार रुपये कमा लिए 3 दिन में। तो ये जो सीजनल काम होता है ज़रूरी नहीं है, आप दुकान है तभी कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान नहीं है तो आप अपनी किसी की दुकान के बाहर 200-300 रुपये पर डे के हिसाब से लगाने देगा बाहर। आप अपना अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो नीचे टेबल रखे हैं टेंट वालों से टेबल लिए हैं किराए पे 40-50 रुपये, ज़्यादा ज़्यादा 100-100 रुपये होगा ये पर डे का किराया, वो मेरे जीजा जी को पता जो चला रहे हैं। और ये टेंट है ये लगवा लिया और ये लगा करके अपना क्या कहते हैं अपना आप चालू कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि आपकी दुकान होनी चाहिए, आप ये करके भी 2-3 दिन में अगर आप 4,000-5,000 रुपये निकाल ले रहे हैं तो आजकल त्यौहार इतने हैं कि हर महीने 2 महीने बाद कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कितने काटने हैं? नहीं चल रहे नहीं। 10 रुपए देने ना। हाँ तो सीजन हर महीने 2 महीने में कुछ ना किसी चीज का लगा ही रहता है, तो आप वो चीज कर सकते हो, उसमें भी अच्छी कमाई है। दुकान के साथ तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो दूसरी चीज़ों के जरिए आपका ये वाला ग्राहक भी आता है, इस चीज़ के जो जुड़े हुए हैं वो लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिली जुली हैं, एक दूसरे से फ़ायदा देती हैं। तो मेरा मानना तो ये है आपकी अगर दुकान है तो आप सीजनल काम चालू कर सकते हैं और ये सब चीज़ें कर सकते हैं, अच्छा है। और मार्जिन मैंने आपको बता दिया 60-60% तक का, 70-70% तक का मार्जिन भी मिल जाता है इन चीज़ों में जो सीजनल काम है, तो आप कर सकते हैं अगर आपकी दुकान है तो। ये किसी दिन में बाकी आपको ये दुकान का भी एक ओवरव्यू दूंगा किसी दिन वीडियो में। तो ठीक है, यही था वीडियो में, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। और आप करिए सीजन काम, अच्छा मार्जिन है। अगर पहले सीजन में अच्छा नहीं भी जाता तो दूसरे सीजन में आपका वो कुछ माल बचा होगा, दूसरा माल और लाओ उसके साथ बेचो तो और अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही था। जय हिंद, जय भारत।